आपने कभी खाया है? और वो भी सौरभ जोशी ब्लॉग देखते हुए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम आए हैं ईटा रचना, देख सकते हैं वो है भट्टा, और ये लोग खाना खा रहे हैं। लगभग 10 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाँ पहले खाना खा लेते, मैं भी खा लेता हूँ और इन्हीं के साथ खा लेता हूँ। भाई नेक्स्ट लेवल, भाई आप देख सकते हैं वो भी पत्ते, परसे के पत्ते से खा रहे भाई। आपने कभी खाया है? और वो भी सौरभ जोशी ब्लॉग देखते हुए। सो फाइनली गाइस, मैं खाना खा चुका हूँ और वो लोग ना अभी सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे हैं। देख लो ये लोग, तो मेरा तो हो चुका है, तो अब चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा ईठा, और हमको ले जाना वहाँ पर, वहाँ पर रचना है और पूरा रच के और उसके बाद में ईठा को पकाया जाता है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी ले रहे हैं हम रेस्ट और 12 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी धूप हो गई, हाय 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 गर्मी, सच में कसम से यार। तो गाइस देख रहे हैं दिन भर में काम कर 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 ऐसी हालत हो चुकी है, शकल भी डाउन, बाल भी डाउन, और ये लोग देखो कपड़े उतार उतार काम कर रहे भाई। और वो रहा भट्टा, है ना, इतने रचा चुका है दिन भर में, और ये इतने सारे हमने रच दिए हैं और इतने सारे अभी बचे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं घर, क्योंकि शाम हो चुकी है। चलो भाई चलो चलो, फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं घर और अब चलते हैं नहाने। देख लो शकल की हवा टाइट हो गई। तो ये रहा कच्चा और ये बादाम, ये रहे हमारे साबुन निरमा शैम्पू, ये रहे कच्चा गमछा, और ये शर्ट और ये पैंट और ये बेल्ट। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ और लाइट नहीं है, इस वजह से मोबाइल से मुझे शूट करना पड़ रहा था। चलिए गाइस बहुत थक गया हूँ, इस ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस इनकी जल रही है, जल मल रही है।